सोनभद्र में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत डालानगर रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक क्षेत्र के घरों की छतों, बालकनी, खिड़कियों पर शत प्रतिशत राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों बाइक, कार पूरे नगर में भारत माता की जय, राष्ट्रभक्ति गीतों पर भारत माता की जय घोष करते तिरंगा यात्रा डाला बाजार से डाला वैष्णो मंदिर होते हुए तेलगुड़वा तक ले जाया गया और तेलगुड़वा से वापस डाला रामलीला मैदान पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत डाला चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र द्विवेदी में फोर्स के साथ डटे रहे। इस दौरान बाइक जुलूस में शामिल मुकेश जैन, दीपक दुबे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सोनू, महेश सोनी, राजेश पटेल, डॉक्टर राकेश पटेल, सुधीर सिंह, राजू शुक्ला, राकेश पासवान, नीरज द्विवेदी, सदन साहू आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहर की रिपोर्ट।